हेलो एवरीवन वेलकम टू द एस पी एम आई एस अकेडमी माई नेम इज़ प्रशांत कुमार मिश्रा एंड टूडे आई विल टेक द करेंट अफेयर्स एनालिसिस सत्यजीत सर विल स्टार्ट द करेंट अफेयर्स एनालिसिस फ्रॉम टुमारो एंड बिकॉज मेनी ऑफ यू हैव आस्ड मी कि सर कब से स्टार्ट करेंगे सर इज़ फाइन और नॉट सर इज़ परफेक्टली फाइन बट हर इंडिविजुअल को थोड़ा सा गैप चाहिए होता है थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक नियर द Uh, कुछ और स्टूडेंट ने कंसर्न शेयर किया था कि सर प्रिलिम्स के लिए करेंट अफेयर्स नहीं है क्या तो जो भी करेंट अफेयर्स एनालिसिस शेयर होता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मीन्स एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू तीनों चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स होता है अगर कोई डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक होता है तो दैट डजेंट मीन कि वो प्रिलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर आपने इस साल प्रिलिम्स पेपर दिया है या पेपर देखा भी है तो करंट अफेयर्स जो है बिल्कुल वन लाइनर की तरह नहीं आते बहुत सारे करंट अफेयर्स आपको क्या मिलेंगे थोड़ा एनालिटिकल मिलेंगे मिलेंगे डीप में तो उसके लिए किसी भी टॉपिक को हमें डिटेल में समझने की जरूरत होती है वही हम यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज माई क्रिटेंशियल है ना चार बार लगातार मैंने यूपीएससी का क्लियर किया है तो आई नो की प्रिलिमस के क्वेश्चन कैसे आते हैं और प्रिलिंस आप करंट अफेयर्स के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे और थ्री टाइम्स मैंने मेंस क्लियर करके इंटरव्यू दिया है तो मेंस के लिए कैसे आते हैं और मेंस कैसे क्लियर करोगे और इनफैक्ट वन टाइम आई वाज ऑल इंडिया टॉपर इनफैक्ट मैंने जो अभी तक पढ़ाया है बच्चों को नीट एंड एम्स के बच्चों को मैं फर्स्ट रैंक पढ़ा चुका हूँ तो हम लोग एट एस पी एम आई एस अकेडमी पूरी कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट दे चुके दे सकें आपके लिए कि सो देट आप अपना बेस्ट कर सको अपने रिलेटिव एग्जाम्स में जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे क्या है ऑन एफ टी एस विध यूरोपियन कंट्रीज तो ऑब्वियसली ये प्रिलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है एफ टी ए का कॉन्सेप्ट प्रिलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि फ्री ट्रेड अरेंजमेंट या अग्रीमेंट क्या होता है और उसके साथ फ्री ट्रेड अगरेंजमेंट किसके साथ हुआ है इंडिया का किन किन कंट्री के साथ हुआ है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है मेंस में डायरेक्टली ये पार्ट बनता है जीएस पेपर टू का जहां पे आप पढ़ते हो इंटरनेशनल रिलेशन और जीएस पेपर थ्री क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक्स की बात हो रही है ट्रेड की बात हो रही है तो जीएस पेपर थ्री में भी ये यूजफुल होता है तो इस टॉपिक को हम डिटेल में समझने वाले वट डू एफ टी एज विथ यूरोपियन कंट्रीज सिग्नल यूरोपियन कंट्री के साथ एफ क्या सिग्नल करता है तो एफ का मतलब होता है फ्री ट्रेड अरेंजमेंट या अग्रीमेंट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में या एक कंट्री और दूसरा ग्रुप के बीच में क्या हो सकता है एफ हो सकता है अगर इंडिया का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किसी और कंट्री से है मान लो फॉर एग्जाम्पल इंडिया का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट UAE से है तो इसका मतलब बहुत सारा ऐसा गुड्स होगा जो इंडिया से यू जाएगा और उस पर टैरिफ नहीं लगेगा बिल्कुल जीरो टैरिफ लगेगा या बहुत कम वन परसेंट टू परसेंट बहुत मामूली सा टैरिफ लगेगा और वाइस वर्सा UAE से बहुत सारा गुड्स ऐसा होगा जो इंडिया आएगा और उस पर बहुत मामूली सा टैरिफ और टैक्स लगेगा बहुत कम लगेगा या जीरो लगेगा इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट तो ये गुड्स के लिए भी होता है कई बार सर्विसेज के लिए भी होता है अगर इंडिया ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है किसी एक कंट्री फॉर एग्जाम्पल यूए के साथ तो दूसरी कंट्री के साथ साइन किया है फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया के साथ तो दोनों के साथ सेम काइंड ऑफ अग्रीमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है एक कंट्री के साथ थोड़ा डिफरेंट अग्रीमेंट हो सकता है दूसरे कंट्री के साथ थोड़ा डिफरेंट काइंड का अग्रीमेंट हो सकता है किसी के साथ टैरिफ एब्सोल्यूट जीरो हो सकता है किसी के साथ टैरिफ थोड़ा सा जीरो पॉइंट फाइव परसेंट हो सकता है बहुत सारे गुड्स पे तो अलग अलग क्लॉज हो सकते हैं इसलिए टैरिफ ये नेगोशिएट करना पड़ता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक कंट्री जब दूसरी कंट्री या किसी ब्लॉक से साइन करती है तो उसके पहले पहले क्या होता है निगोशियशन होता है और इंडिया का निगोशिएशन चल रहा था किन के साथ चल रहा था इंडिया का निगोशियेशन चल रहा था ई के साथ EFTA कौन है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन चार कंट्री है जो मिलके बनाती है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जिसमें से एक कंट्री स्विट्जरलैंड है जो आप सब जाना चाहते हो घूमने के लिए दूसरा कंट्री नॉर्वे है तीसरा आइसलैंड है और चौथा लिस्टेंटिस्टन है तो ये चारों कंट्री मिलके एक ट्रेड ग्रुप बनते हैं जिनका नाम क्या है ई तो ये ये भी डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि EFTA में कौन कौन से कंट्री होता है इनके साथ इस पूरे ग्रुप के साथ इंडिया ने जो अग्रीमेंट साइन किया है उसका नाम है टेपा टेपा का फुल फॉर्म ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट ये भी आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा अगले साल या इस साल आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब ये चारों कंट्री का आप लोकेशन देख सकते हो यहाँ पे जो कंट्री है वो स्विट्जरलैंड है जो मेन लैंड यूरोप में पड़ती है फिर ये नॉर्वे हो गई और बाकी दोनों कंट्री आपका आइसलैंड और लिस्ट ये दोनों कंट्री यहाँ पे आ जाएगी अब बात ये होती है कि एफ टी साइन हुआ इससे क्या फायदा होने वाला है इंडिया को इंडिया क्या मैसेज देने वाला है बाकी कंट्री को तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है इंडिया का कमिटमेंट को दिखाता है कि हम लोग ट्रेड में लिबरलाइजेशन कर रहे हैं लिबरल हो रहे हैं है ना मतलब टैरिफ को कम रख रहा है टैरिफ को कम रखना एक एक सेंस ऑफ क्या देता है लिबरलाइजेशन देता है जब बाकी बहुत सारी कंट्रीज प्रोटेक्शनिज्म पे उतर गई है टैरिफ बहुत बढ़ा दिया है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड करने में बहुत ज्यादा टैरिफ बढ़ाने को क्या बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म करते हैं वैसे टाइम पे इंडिया क्या दे रहा है ट्रेड लिबरलाइजेशन तो इंडिया का कमिटमेंट भी है और वर्ल्ड को एक पॉजिटिव सिग्नल भी इंडिया यहाँ पे दे रहा है अब बात करते हैं ये जो टेपा साइन हुआ है इस टेपा के की फीचर्स क्या है की फीचर्स जैसे कि हम बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की तो ट्रेड में किस चीज की बात होती है ट्रेड में बात हो सकती है इन्वेस्टमेंट की ट्रेड में बात हो सकती है ट्रेड इन गुड्स गुड्स को आप मर्चेंडाइज भी बोल सकते हो गुड्स और मर्चेंडाइज ट्रेड में बात हो सकती है सर्विसेज की यहां से कोई आईटी प्रोफेशनल गया और कोई सर्विस प्रोवाइड करके आ गया यहां से कोई बैंकिंग प्रोफेशनल गया सर्विस प्रोवाइड करके आ गया ट्रेड में इन तीनों चीजों की बातें हो सकती है ट्रेड में कुछ और बातें भी हो सकती हैं अगर हम बात करें फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की तो इन्वेस्टमेंट कितना होगा ये जो कंट्रीज है ई वाले वाली कंट्रीज ये इंडिया में क्लोज टू हंड्रेड बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगी आने वाले समय में ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे कहां पे करेंगे इंडिया में जिससे कि इंडिया में वन मिलियन जॉब क्रिएट हो सकता है और ये जॉब कब तक 15 ईयर पीरियड में क्रिएट होगा एक ही साल में सारा जॉब क्रिएट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है अगर मान लो कि ये जॉब्स इतने क्रिएट नहीं हो रहे हैं या ये कंट्री इतना इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं कर पा रही है तो इंडिया क्या करेगी इंडिया इनको बहुत सारा जो टैरिफ पे कंसेशन देने वाली है वो टैरिफ पे कंसेशन कम कर सकती है या विदड्रॉ कर सकती है तो इसका मतलब अगर इंडिया टैरिफ में कंसेशन दे रहा है इन कंट्रीज को तो वो कंडीशनल है कि हमारे यहाँ आप इतना इन्वेस्टमेंट करके इतना जॉब क्रिएट करो तो आपको टैरिफ में क्या मिलेगा कंसेशन मिलेगा तो टैरिफ में ज्यादा कंसेशन किसने दिया है टैरिफ में ज्यादा कंसेशन इंडिया में दिया है जिससे कि जो कंट्रीज हैं स्विट्जरलैंड नॉर्वे इन सबको डायरेक्टली फायदा होगा इंडिया में उन लोगों का ट्रेड काफी हद तक बढ़ने वाला है इनफैक्ट हम बात करें तो सेवन टू टेन ईयर्स के बीच में ऑलमोस्ट टैरिफ जो है एलिमिनेट होने वाला है इंडिया और इन सारे ब्लॉक्स के बीच में वो लोग जो कंट्री हैं स्विट्जरलैंड नॉर्वे आइसलैंड ये सारी कंट्री इंडिया को एक्सपोर्ट कर पाएंगे सी फूड सी फूड में टूना सालमन ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर पाएंगे फ्रूट्स उनके नाम होते हैं एवोकार्डोस का नाम आपने सुना होगा ओलिव जिससे कि ऑयल बनता है ऐसे बहुत सारी चीज़ें इंडिया में वो लोग क्या कर पाएंगे एक्सपोर्ट यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कैप्स कॉफी कैप्सूल्स ऑयल्स लाइक कॉड लिवर ओलि ये सब रटना नहीं है अगर आपने एक दो चीजें याद रख ली तो इतना काफी है उसके अलावा आपको पता है स्विट्जरलैंड में बहुत महंगी महंगी घड़ियां बनती हैं तो वो सारी वॉचेज पे बहुत टैक्स इंडिया लगाता है वॉचेज क्लॉक्स मेडिकल इक्विपमेंट स्मार्टफोन वन कंट्रीज में जो चीजें बन रहा होता है वो इंडिया में आता है काफी टैरिफ लगता है वो टैरिफ भी इंडिया क्या करेगा ऑलमोस्ट कम करने वाला है इनफैक्ट एलिमिनेट करने वाला है धीरे धीरे सेवन टू टेन ईयर्स में डायमंड जो वहां से आते हैं उन पे भी टैक्स पहले कितना लग रहा है फाइव परसेंट वो फाइव इन में घट के कितना हो जाएगा स्विट्जरलैंड नॉर्वे ये सारी कंट्रीज वाइन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं ये यहां से जो वाइन बनता है इंडिया में आते आते बहुत हैवी टैक्स लगता है सोचो वन फिफ्टी परसेंट तक का टैक्स लग जाता है है ना तो इन पे भी टैक्स का रिडक्शन होगा वन फिफ्टी से घटा के हंड्रेड करेंगे हंड्रेड से घटा के फिफ्टी तो जो वाइन लवर्स हैं इंडिया में उनको क्या मिलेगा वाइन काफी सस्ते दामों पे मिल पाएगा आने आ, आगे आने आगे वाले समय में तो ये काफी ज्यादा इंडिया इनको कंसेशन दे रहा है अगर हम इन सारे गुड्स की बात करें तो बदले में इंडिया को कुछ फायदा हो रहा है क्या बदले में इंडिया को कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है अगर हम ट्रेड की बात करें क्योंकि इंडिया को फायदा पहले से ही हो रहा है ये सारी कंट्रीज इंडिया को पहले से ही लो और जीरो टैरिफ या बहुत कम टैरिफ या जीरो टैरिफ पे Uh, यहाँ से इंडिया में वो लोग डील कर रहे हैं मतलब इंडिया से कुछ भी एक्सपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट होकर स्विट्जरलैंड जा रहा है नॉर्वे जा रहा है आइसलैंड जा रहा है ये सारी कंट्रीज अगर जा रहा है तो वहां पर टैरिफ इंडियन प्रोडक्ट पे ऑलरेडी बहुत कम है मोस्ट फेवर्ड नेशन करके कैटेगरी में डाला हुआ है उन लोगों ने इंडिया को नाइनटी जो इंडिया का ट्रेड होता है मर्सेंडाइज ट्रेड बोलो या गुड्स ट्रेड बोलो जो कि स्विट्जरलैंड जा रहा होता है उस पर ट्रेड क्या है उस पर ट्रेड ऑलमोस्ट जीरो है है ना जीरो ट्रेड है जीरो टैरिफ है उस पर उस पर कोई खास टैक्स नहीं लग रहा है और बाकी सिर्फ टू परसेंट जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है स्विट्जरलैंड को जो कि खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उस पर थोड़ा बहुत टैक्स लगता है बट वो सिर्फ टू परसेंट है उसका वॉल्यूम बहुत कम है उसका वैल्यू भी बहुत कम है तो इंडिया को कुछ बहुत ज्यादा ट्रेड में फायदा नहीं होने वाला है इंडिया को फायदा गुड्स में नहीं होगा बट किस में हो सकता है सर्विसेज में हो सकता है आपको पता है इंडिया पाइनियर है योगा में इंडिया में बहुत सारे लोग योगा सिखा रहे हैं आजकल अगर ये ट्रेड जैसे ही हमारा डील ये कंक्लूड हो गया इंडिया के योगा इंस्ट्रक्टर जा सकते हैं और स्विट्जरलैंड में नॉर्वे में इन सब कंट्रीज में आइसलैंड में ये चारों कंट्रीज जो है चारों कंट्री में जाके योगा सिखा सकता है योगा इंस्ट्रक्टर बन सकता है जो लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं इंडिया में चाहे वो आयुर्वेदा है चाहे वो कोई और योगा है सिद्धा है यूनानी है होम्योपैथी है वो लोग इन कंट्रीज में जाके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ये ट्रेड इन सर्विसेज की बात होते हो जाती है नॉर्वे एंड स्विटरलैंड से एक कॉरपोरेट से दूसरे कारपोरेट में तीन और चार साल तक के लिए लोग जा सकते हैं और आ सकते हैं तो ये डेटा हमें ये डेट ईयर याद करने की जरूरत नहीं है अगर हमने इतना याद रखा हमारे एग्जाम के लिए काफी होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलपमेंट तो हो ट्रेड तो हो इन्वेस्टमेंट तो हो बट वो सारी चीजें क्या हो सस्टेनेबल हो सस्टेनेबल हो मतलब उससे इन्वायरमेंट पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़े ये भी देखना है तो पहली बार इंडिया ने ऐसा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें इंडिया ने इसकी बात की है कि इंडिया जो भी ट्रेड करेगा इंडिया जो भी ऐसा इनके साथ डेवलपमेंट करेगा उसमें इंडिया लेबर के कंसर्न का ध्यान रखेगा कि चाइल्ड लेबर तो नहीं लग रहा है जो भी डील हो रहा है ट्रेड हो रहा है इनवायरमेंट तो नहीं डेमेज हो रहा है तो पहली बार इंडिया ने ऐसा कमिटमेंट लिया है ये स्विट्जरलैंड और नॉर्वे इन सारी जो कंट्रीज है चारों कंट्रीज है इसमें से बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे मेडिसिन बनाती है वॉचेस बनाती है है ना अलग अलग काम करती है तो ये लोग जो काम करती हैं तो इन पे इन इनको पास क्या होता है पेटेंट होता है वो उनके अपने गुड्स का वो बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके वो कुछ डिवाइस तैयार करते हैं या मेडिसिन तैयार करते हैं ऐसा कुछ तैयार करते हैं तो उनको क्या चाहिए कि ये अगर इंडिया में पहुंचता है तो इंडिया की जो कंपनीज हैं इसका डुप्लीकेट बनाना नहीं शुरू कर दें है, है ना तो इंडिया को उनको क्या चाहिए उनका जो इंटेलेक्चुअल राइट है इंटेलेक्चुअली जो उन्होंने रिसर्च करके नए डिवाइस नए इंस्ट्रूमेंट नए मेडिसिन बना रखे हैं उनका वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया प्रोटेक्ट करे इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने को क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की भी डिमांड करी गई है कहां से उन कंट्री से इंडिया के लिए इनफैक्ट आप जब आप डब्ल्यू के बारे में पढ़ते हो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वहां भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को क्या किया जाता है प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए वहां जो अग्रीमेंट है उसका नाम है ट्रिप्स ट्रिप्स मतलब ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो ये अग्रीमेंट से क्या किया जाता है लोगों का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाता है ये हो गई प्रोटेक्ट करने की बात ठीक है That, तो वैसे ही इससे भी ज्यादा हाई क्लॉज है कि इंडिया इन कंट्रीज का जो इंटेलेक्चुअल राइट्स है प्रॉपर्टी है उनको क्या करेगा प्रोटेक्ट करेगा और इनका पायरेसी डुप्लीकेशन ये सब नहीं होने देगा तो ये सारे क्लॉज जो है इंडिया एक तरह से पहली बार लेके आया है यहाँ पे हम कंक्लूजन समझ सकते हैं ओवरऑल इन ए नटशेल that tepa ventures into some uncharted territory uncharted territory mein ghus raha hai its implementation over the time will determine its impact kitna acha hum isko implement kar pate hain wo iska itna acha jo hai determine karega iske impact ka यहाँ पे हमने इसको summarize कर दिया है यहाँ पे मैंने टेपा का नाम लिख दिया है Trade and Economic Partnership Agreement टेपा किसके किसके बीच होगा इंडिया एंड ईएफटीए के बीच होगा ईएफटीए के मेंबर कंट्रीज हमने यहाँ लिख दी ये एक तरह से पॉजिटिव सर्विसेज होगा ट्रेड इन सर्विसेज इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी जाएगी इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है ओवरऑल ये जो अग्रीमेंट है वो एक फ्यूचरिस्टिक अग्रीमेंट लगता है आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा आज हम चलते हैं सेकंड टॉपिक ऑफ द डे जो बात करता है द एम आर आई वी लीप दैट फायर अप इंडिया न्यूक्लियर डेटरेंस ये बात करता है एम आई बी की एम आई बी क्या है हम अभी समझने वाले हैं ये बात करता है मिसाइल की अग्नि फाइव मिसाइल की बात करता है है ना और इंडिया न्यूक्लियर डिफरेंस ये भी आपको आईआर का पार्ट बनता है जीएस पेपर टू का पार्ट बनता है और इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट बनता है जीएस पेपर थ्री का पार्ट बनता है तो ये टॉपिक डायरेक्टली हमें मेंस में फायदा करेगा जीएस पेपर टू एंड जीएस पेपर थ्री में प्रिलिम्स में क्या आ सकता है प्रिलिम्स में आपको अग्नि फाइव के बारे में पूछा जा सकता है प्रिलिम्स में आपको बालिस्टिक मिसाइल के बारे में पूछा जा सकता है प्रिलिम्स में आपको मिशन दिव्यास्त्र के बारे में पूछा जा सकता है कि हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है अग्नि फाइव बालिस्टिक मिसाइल को और ये मिसाइल जो है इसको इस नई टेक्नोलॉजी पे बनी है जिसको हम एम टेक्नोलॉजी बोलते हैं एम का मतलब मल्टीपल इनडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री वेहीकल इसका मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है देखो ये फिगर आप देख रहे हो यहाँ पे है ना देखो ये जो है यहां से इस मिसाइल को लॉन्च किया जा रहा है और मिसाइल ये जाके ऐसे लॉन्च हो रही है ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है कोई भी मिसाइल जो ऐसे अगर आप रिलीज करते हो और ऐसे जाके ऐसे जाके ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है इसको हम बालिस्टिक मिसाइल बोलते हैं ऐसा मिसाइल बोलते हैं बालिस्टिक जैसे आप कुछ भी पत्थर फेंकते हो तो लगभग ऐसा ऊपर फेंकते हो हवा में तो ऐसा पात वो फॉलो करेगा उसको इसी तो हम प्रुजेक्टाई। तो को हम क्या बोलते हैं प्रोजेक्टाइल तो प्रोजेक्टाइल फॉलो करने वाले मिसाइल को हम क्या बोलते हैं बालिस्टिक मिसाइल तो अगर हमने एक मिसाइल फेंका तो वो यहाँ जाके हिट करेगा बट ये एम क्या है एम एक ऐसा मिसाइल है कि ये मिसाइल से अगर इस मिसाइल से एक साथ तीन चार वॉर हो सकते हैं मतलब मान लो ये यह मिसाइल यहाँ पे एयर में है तो इससे एक टारगेट आगे की तरफ हिट हो सकता है एक टारगेट पहले की तरफ हिट हो सकता है एक टारगेट और पहले तो ये टारगेट अलग अलग चार पांच टारगेट को ये हिट कर सकता है यहाँ आप इमेज में देखोगे ये गया मिसाइल और यहाँ जाके इसने एक एक रिलीज कर दिया अपना न्यूक्लियर वॉर हेड जिसको बोलेंगे यहाँ जाके इसने दूसरा रिलीज कर दिया यहाँ जाके इसने तीसरा रिलीज कर दिया तो ये मल्टीपल वॉर हेड को रिलीज कर सकता है एक तरह से ये बस की तरह है। बस में आप बैठते हो तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे उतरते हैं वैसे ही न्यूक्लियर वॉरहेड क्या होगा अलग अलग न्यूक्लियर वॉरहेड अलग अलग जाके स्ट्राइक करेगा तो सोचो इसका होना हमारे लिए कितनी अच्छी बात है इसका होना हमें कितना ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि कोई भी कंट्री हमसे वॉर करने में या हम पे अटैक करने में एक बार तो सोचेगी कि इंडिया के पास इतनी जबरदस्त कैपेबिलिटी है एम की बात करें तो ये एक तरह से मिसाइल बस की तरह है जिसके पैसेंजर कौन है न्यूक्लियर बॉम्ब वो न्यूक्लियर बॉम्ब एक ही बार में उनको भेज दिया जाता है और एक ही बार में वो डिफरेंट टारगेट्स को हिट कर सकते हैं मतलब अगर न्यूक्लियर बॉम्ब एक जगह से भेजा गया एक ही बार में वो चार पांच सिटी पे जाके अटैक कर सकता है एक ही साथ अलग अलग बॉम्ब गिराने की भी अलग अलग मिसाइल भेजने की भी जरूरत नहीं है तो सोचो ये कितनी जबरदस्त तरह की कैपेबिलिटी इंडिया ने डेवलप करी हुई है इसके बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में हमें जाने की जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं समझा देता हूं आपको इसमें क्या होगा इसमें जो टारगेटेड पॉइंट है वो डिजायर्ड एक्यूरेसी जो भी एक्यूरेसी है उसके से अचीव किया जाएगा द कैपेबिलिटी इज एन एनसिएटर ऑफ इंडिया ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस ये टेक्नोलॉजी ये कैपेबिलिटी ये दिखाती है कि इंडिया का टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस कितना ज्यादा बढ़ रहा है अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की सिग्निफिकेंस क्या है इस अगर हम अग्नि फाइव मिसाइल की बात करें तो अग्नि फाइव मिसाइल का क्या सिग्निफिकेंस है या अगर हमने ये एम टेक्नोलॉजी टेस्ट की है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है इसका रीच 5000 किलोमीटर तक है ध्यान से सुनना कितना है 5000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर मतलब मोस्ट पार्ट ऑफ चाइना में पहुंच जाएगा वो इंडिया से भेजो अगर आप इंडिया से लॉन्च करते हो तो अगर चाइना की तरफ इसका रुख किया जाए तो मोस्ट पार्ट ऑफ चाइना तक ये पहुंच सकता है स्पेशली विथ ए स्मॉलर वॉर हेड जिसका ऊपर का आगे का वॉर हेड क्या होगा छोटा होगा जिससे कि रेंज और ज्यादा बढ़ जाती है हल्का होगा तो और ज्यादा डिस्टेंस ये कवर कर सकता है एम आई आर वी टेक्नोलॉजीज एम आई आरवी कैन परफॉर्म द रोल से रोल वो अकेले ही प्ले कर सकता है इट कैन हेल्प डिफीट बालिस्टिक मिसाइल डिफेंस अब यह समझते हैं बालिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्या होता है अब ऑबियस बात है कि अगर हम लोग बालिस्टिक मिसाइल फेंकते हैं तो चाइना जैसी कंट्रीज ने बालिस्टिक मिसाइल को हवा में ही खत्म करने के लिए डिफेंस क्रिएट किया होगा कि चलो ये मिसाइल आ रहा है उसने कुछ यहाँ रिलीज किया बॉम्ब वगैरह तो उसको हवा में ही कैसे खत्म कर दिया जाए तो चाइना ने ऐसी कैपेसिटी डेवलप की है जिसको हम क्या बोलेंगे बालिस्टिक मिसाइल डिफेंस बट ये एम आर वी जो है जो अलग अलग तीन चार टारगेट को पांच टारगेट को एक साथ हिट कर देगी उसके लिए चाइना ने ऐसा कुछ डिफेंस अभी नहीं क्रिएट कर पाया है तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अब हम बात करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आने वाली है या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आएगी मैं यह रिक्वायरमेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि साइंस एंड टेक में ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं खासकर मेंस में यूपीएससी ने 2020 में डायरेक्टली एस फोर में पूछा था कि एस फोर टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर क्यों है जी एस थ्री मेन्स में उसने पूछा था तो यहाँ भी एम आई आर बी टेक्नोलॉजिकली कैसे सुपीरियर है ये पूछा जा सकता है तो इसलिए हम इसको समझ लेते हैं अब इसमें मेन चीज क्या है कि दिस इज बिकॉज इट रिक्वायर्स मीटिंग सम वेरी डिमांडिंग टेक्निकल क्राइटेरिया सच एज न्यूक्लियर वॉरहेड मिनियेचराइजेशन मतलब न्यूक्लियर जो वॉरहेड अटैच करेंगे वो बहुत छोटे साइज का होना चाहिए तो इसको हम छोटे साइज को क्या बोलते हैं मिनिएचर मिनिएचराइजेशन तो ये एक ये एक टेक्नोलॉजी हमने अचीव की दूसरा टेक्नोलॉजी की जो इसको कैरी करके लेके जाएगा उसका वेट क्या रहेगा कम रहेगा तो लो वेट का होगा जिससे कि वो री इंटर कर पाए यहां से आपने फायर किया और वापस से वो एटमोस्फियर में क्या कर पाए री इंटर तो लो वेट का होगा तो वो क्या करेगा री कर पाएगा है ना और जो ये कैरियर होगा कैरियर जिसमें कि न्यूक्लियर मिसाइल रखा जाएगा वो प्रिसाइजली एक दूसरे में फिट भी होने चाहिए नहीं फिट होंगे तो इधर उधर गिर जाएंगे है ना प्रिसीजन नहीं आ पाएगा ठीक है री एंट्री नहीं हो पाएगा तो री एंट्री के समय स्टेबलाइजेशन भी होना चाहिए एक्यूरेसी भी होना चाहिए तो ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं ये सब रिक्वायरमेंट फुलफिल किया है हमने तो ही जाके हम लोग इतना सक्सेसफुल टेस्ट कर पाए हैं तो ये काफी बड़ी अचीवमेंट आप बोल सकते हो अब हम चाइना के साथ कंपेयर करते हैं ऐसा नहीं है कि चाइना के पास ये सेम टेक्नोलॉजी नहीं है चाइना के पास ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी है इंडिया के लिए भले ही ये टेक्नोलॉजी नहीं है बट चाइना और जो P5 कंट्रीज 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 मतलब यूनाइटेड नेशन के परमानेंट चाहे हम बात करें यूएस की चाहे हम बात करें रशिया की चाहे हम बात करें चाइना की फ्रांस की यूके ये सारे पी फाइव कंट्रीज के पास से ऑलरेडी ये एम आई आर बी टेक्नोलॉजी है एम आई आर बी टेक्नोलॉजी टिप्ड मिसाइल आर नेसेसिटी मतलब टारगेट हिट कर सकते हैं और कोई मिसाइल डिफेंस से इनको पूरा खत्म भी नहीं कर पाएगा चाइना ऐसा सिस्टम को खत्म करने के लिए टेस्ट वेस्ट कर रहा है बट अभी तक 5 को वो खत्म कर पाएगा हवा में ही बट ये ऐसा सस्पेक्ट ही कर सकता है मतलब ऐसा अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर पाया है कि वो अग्नि फाइव के कैपेबिलिटी वाले मिसाइल को खत्म कर पाए हवा में तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है डीआरडीओ अभी कुछ और भी डेवलप करना है आने आगे आने आगे वाले टाइम में अग्नि अग्निफाइव मिसाइल को तो अभी हम कहा से लॉन्च करेंगे जमीन से लॉन्च करने वाले हैं बट आगे आने वाले टाइम में हम डीआरडीओ ऐसा मिसाइल बना रहा है जिसको कि सबमरीन से लॉन्च किया जा सके सोचो पानी से लॉन्च किया जा सके वाटर से भी लॉन्च किया जा सके अगर आप कोई मिसाइल को लैंड से लॉन्च कर पाओ वाटर में से लॉन्च कर पाओ एयर में हवा में से लॉन्च कर पाओ कहीं से भी लॉन्च कर पाओ तो आपका जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अगर आपने कोई आपकी न्यूक्लियर कैपेसिटी किसने डिस्ट्रॉय कर दी है ना जमीन वाली या लैंड वाली आप वाटर से टारगेट कर सकते हो आप एयर से टारगेट कर सकते हो तो इंडिया अब ये सबमरीन से लॉन्च करने के लिए ये कैपेसिटी डेवलप करने की क्या करेगा कोशिश करेगा चाइना के साथ चाइना के साथ हमारा ये कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है चाइना के साथ हमें पैरल लाके खड़ा करती है विथ ए सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ अग्नि मिसाइल इंडिया हैज की इन इट्स टू बिकम हाईली क्रेडिबल न्यूक्लियर एंड मिसाइल पावर एक वर्ड आपने देखा होगा ऊपर एक वर्ड आया था डेटरेंस डेटरेंस का मतलब क्या होता है डेटरेंस का मतलब प्रिवेंशन अगर आपके पास एक के फोर्टी सेवन है है ना और लोगों को ये बात पता है आपके दुश्मनों को तो आपके दुश्मन आपको गाली देने भी नहीं आएंगे उनको पता है कि इसके पास एक के फोर्टी सेवन है ये उड़ा सकता है हमें तो वही बात है अगर हमारे पास इस लेवल की जबरदस्त टेक्नोलॉजी है तो हमारे एनिमी जो है पाकिस्तान और चाइना या फिर कोई भी ऐसा एनिमी जो है वो हम पे अटैक करने के पहले एक बार सोचेगा या अटैक नहीं करेगा तो ऐसे वेपन्स का होना और ज्यादा हमें डेटरेंस क्रिएट करके देता है प्रिवेंशन क्रिएट करके देता है आई होप ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा आपके सुविधा के लिए मैंने इसको समराइज कर दिया है मिशन दिव्यास्त्र मिशन दिव्यास्त्र में हमने क्या टेस्ट किया अग्नि मिसाइल जो कि एक बालिस्टिकॉजी मिसाइल है इसमें टेक्नोलॉजी क्या है बी टेक्नोलॉजी प्रिलिम्स में कई बार पूछ लिया जाता है कहाँ से लॉन्च किया गया या कहा से टेस्ट किया गया टेस्ट कहाँ से किया गया कलाम आईलैंड उड़ीसा है ना एम का फुल फॉर्म क्या हो सकता है मल्टीपल इनडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री अलग इन टी टारी एंट्री वही है फाइव थाउजेंड किलोमीटर है ये चाइना के बालिस्टिक मिसाइल डिफेंस को इवेट कर सकता है और इससे इंडिया का न्यूक्लियर डिस्टरेंस और ज्यादा क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा हम चलते हैं अगले टॉपिक ऑफ द डे की तरफ जिसमें हम बात करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये सर्वेज होते रहते हैं और सर्वेज डिफरेंट डिफरेंट डेटा देते हैं और ऐसे सर्वे यूजफुल होते हैं जीएस पेपर वन में आप सोसाइटी पढ़ते हो उनके लिए जीएस पेपर टू में आप सोशल जस्टिस पढ़ते हो उनके लिए जीएस पेपर थ्री में भी इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिक्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर फोर में एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है ऐसे पेपर में भी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपका जो आसाम का है जीएस पेपर जिसको आप बोलोगे एपीएससी के लिए वहां भी इंपॉर्टेंट होते हैं सारे जगह इंपॉर्टेंट होंगे वाले बोलेंगे सर हमें तो प्रम्स ही देना है सिर्फ प्रस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा जो इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंक्लूजन तो कोई कोई टॉपिक होता है जो मल्टीपल टॉपिक्स को हिट करता है मल्टीपल पेपर्स को हिट करता है और नॉलेज जो होता है वो किसी एक पेपर का नहीं होता ऐसा नहीं है कि एक पेपर में यूज करोगे कंपार्टमेंटलाइज़ नहीं होता नॉलेज इज ऑलवेज इंटीग्रेटेड एंड स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ने से तो पहले हम ये समझते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए कि नेशन का इंडिया का एक सस्टेन डेवलपमेंट हो सके एक सस्टेन क्या हो सके ग्रोथ हो सके है ना अब जब आप पढ़ते हो एस डी जी एस डी जी नाम सुना होगा आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं गोल्स बनाए जिनको पूरे वर्ल्ड को अचीव करना है ट्वेंटी थर्टी तक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या तो आपने पढ़ा होगा या कभी ना कभी डिटेल में आप करंट अफेयर्स एनालिसिस में ही पढ़ लोगे आगे मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसे कि जीरो पॉवर्टी पावर्टी नहीं होना चाहिए हंगर नहीं होना चाहिए जीरो हंगर है ना हेल्थ अच्छा होना चाहिए लोगों का एजुकेशन अच्छा होना चाहिए जेंडर जस्टिस होना चाहिए इन सारे चीजों पे फोकस किया जाना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में तो अगर वुमेन का फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा तो उस फाइनेंशियल इंक्लूजन से अगर टोटल सेवेंटीन एस डी तो उसमें से कहीं ना कहीं आठ एस को फायदा मिलेगा इस फाइनेंशियल इंक्लूजन होने से अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा बहुत लोग तो, तो ये सोच रहे होंगे सर फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है वो बता दीजिए फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है इकोनॉमिक्स का टर्म है इंक्लूजन मतलब किसी को इंक्लूड करना फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब किसी को फाइनेंशियली इंक्लूड करना आप किसी का अगर बैंक अकाउंट खोल के देते हो तो आपने उसको फाइनेंशियली इंक्लूड किया अगर वो बैंक से डायरेक्ट क्या ले पाए लोन ले पाए तो उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ वो बैंक से क्या ले पाए इंश्योरेंस ले पाए तो उसका क्या हुआ financial inclusion हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं? मतलब जो भी financial services है, वो financial services अगर आपको अवेलेबल है बहुत इजिल अवेलेबल है जैसे बैंकिंग हो गया इंश्योरेंस हो गया क्रेडिट हो गया तो इसका मतलब आपको फाइनेंशियली इंक्लूड किया जा चुका है तो ये ऐसा करने से बहुत सारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में फायदा होगा जैसे कि हेल्थ वेल्थ एजुकेशन एजुकेशन बैंकिंग आपके पास है आप लोन ले सकते हो इजली आगे बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है हर साल पब्लिश कर रहा होता है 2023 में भी इसने पब्लिश किया और ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है तो इंडिया का रैंक बहुत खराब आता है इसमें मोर देन हंड्रेड के बाहर आता है इंडिया का रैंक है ना तो ये दिखाता है कि इंडिया में वुमेन की कंडीशन मेल के कम्पेरिजन में उतनी अच्छी नहीं है और उसमें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में एक क्राइटेरिया होता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी का तो अगर वुमेन के पास बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो सोचो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना ही हो रहा होगा तो बैंक अकाउंट होना फाइनेंशियल इंक्लूजन होना उनके इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को क्या करता है बढ़ाता है तो यही टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन लास्ट डिकेड में कितना हुआ अगर हम लास्ट दस साल की बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना हुआ है

सबको रुपे कार्ड दिया गया रुपये कार्ड एस का दिया गया तो इसके वजह से क्या हुआ सबके एक सेविंग अकाउंट खुलते गए और उस समय ऑलमोस्ट ट्वेंटी मैंने बहुत सारे स्कीम्स के नाम लिखे हैं जिससे कि वुमेन को डायरेक्टली फायदा हुआ है किसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन में बैंक अकाउंट खुलना एक बात है बैंक अकाउंट के अलावा दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ना तो इसको आप ये दोनों एक साथ ही है जिसको हम बोल सकते हैं रूरल जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री मट्रु वंदना योजना ये सारे वुमेन रिलेटेड स्कीम है मोस्टली आवास योजना तो चलो सबको केटर करता है स्किल इंडिया भी सबको केटर करता है बट यहाँ पे वुमेन को डायरेक्ट फायदा होता है तो बैंक अकाउंट खोलने से बैंक अकाउंट में उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलना हो या फिर उनका किसी स्किल का यूज होना हो तो ये सारे से वुमेन को डायरेक्टली फाइनेंशियल इंक्लूजन में फायदा हुआ है फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे ज्यादा हुआ वुमेन का जैसे जैसे वुमन एजुकेटेड होती गई फाइनेंशियल एजुकेशन उनका बढ़ता गया जैसे जैसे उनका डिजिटल स्किल बढ़ता गया डिजिटल स्किल क्या होता है इंटरनेट वगैरह का यूज़ करना मोबाइल वगैरह का यूज कर पाना है ना तो उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन होता गया जैसे जैसे वो आकुपाइड होती गई एम्प्लॉयड होती गई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करती गई है ना और जैसे जैसे एक एज ब्रैकेट भी है ज्यादा एज के जो है फाइनेंशियल इंक्लूडेड नहीं है कम एज के वुमेन जो है या मीडियम एज के वुमेन जो है वो फाइनेंशियली इंक्लूडेड है ऐसा हम लोग बोल सकते हैं तो ये सारा ड्राइवर्स है वो ड्राइव करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को एजुकेशन होगा स्किल होगा तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा तो गवर्नमेंट बहुत सारा क्रेडिट स्कीम चलाती है क्रेडिट मतलब लोन है ना क्रेडिट कार्ड होता है वो क्या है लोन कार्ड है लोन लेते हो उससे आप एक महीने का उधार पे काम करते हो माइक्रो क्रेडिट मतलब छोटा लोन टेन थाउजेंड आपने उधार ले लिया ट्वेंटी थाउजेंड ले लिया तो वुमेन को कई बार छोटे छोटे अमाउंट चाहिए होते हैं फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड घर में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है या उनका छोटा मोटा बिजनेस सेटअप करना है जैसे पापड़ बनाना है अचार बनाना है पिकल विकल ऐसा कुछ उनको काम करना है तो माइक्रो क्रेडिट स्कीम उसमें बहुत फायदा करती है तो डायरेक्टली इससे ये फायदा होता है

अपडेट भी हो है ना यूपीआई का टाइम आया यूपीआई से भी हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे उनके साथ फ्रॉड वगैरह नहीं हो सके तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये चीजें भी ध्यान देने की जरूरत है डायरेक्टली फाइनेंशियल इंक्लूजन मीनस में आपको आ सकता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपके लिए लिख दिया है

हेल्थ एंड सर्वाइवल में कितना डिविजन है पोलिटिकली इंपावर्ड वुमेन कितनी है अब वुमेन को देखा जाएगा कि वुमेन कितनी वुमेन जो है वो एम पी है इंडिया में है ना कितनी वुमेन जो है minister है मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है फाइनेंस मिनिस्टर है है कि नहीं है प्रेसिडेंट है तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वहां से देखा जाएगा इंडिया इसमें अच्छा स्कोर करता है क्योंकि अभी जो प्रेसिडेंट है वो है आपका एक क्या है वुमेन है तो इसमें इंडिया का स्कोर कॉम्पटेटिवली क्या है बेटर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड ऑपॉर्चुनिटी इसमें इंडिया का रैंक काफी पुअर हो जाता है इसी को इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ की जरूरत है और ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरत है पॉवर्टी रिड्यूस होगा वुमेन का इम्पावरमेंट होगा है ना स्किल सेट बढ़ेगा बहुत सारा चीज आप फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेनिफिट के रूप में लिख सकता है आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा ये कल जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर्स हैं एक क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैंने दिया था कि उसके क्या पोटेंशियल रिस्क है तो ये चारों रिस्क जो है है डीप फेक का का होना न्यूअर टेक्निक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना फॉल्सहुड को और ज्यादा बढ़ाना ये चारों के चारों चारों के चारों जो है वो पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं किसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये एक ज्योग्राफी जैसा क्वेश्चन मैंने दिया था ये भी प्रिलिम्स का है आप लोग बोल रहे हो सर प्रिलिम्स का पढ़ाई कीजिए तो ये प्रिलिम्स का ही था ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और नेट सोन एरिया क्या है तो यहाँ पे मैंने जो दिया है एग्जैक्ट डेफिनेशन ही दिया है इसको भी आप नोट्स में डायरेक्टली लिख सकते थे कि ये क्या है डेफिनेशन है यहाँ पे मैं अगर आपको वापस से समझाऊ मान लो आसाम है आसाम के पास इतना फील्ड जो है ये फील्ड जो है ए बी सी ए बी सी में क्या हो रहा है एग्रीकल्चर हो रहा है और आसाम के पास ये तीनों फील्ड में एग्रीकल्चर हो रहा है तो तीनों को जोड़ दोगे ए प्लस बी प्लस सी तो इसको क्या आएगा इसको हम लोग बोलेंगे नेट सोन एरिया नेट सोन एरिया और मान लो आसाम के पास एक और जमीन है डी है ना और ये इस पर कोई कल्टिवेशन नहीं हो रहा तो ये इंक्लूड नहीं होगा नेट सोन एरिया में ठीक है ये आप समझ गए नेट सोन एरिया एन एस ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया सेकेंड कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रॉस क्रॉप्ट एरिया ग्रॉस क्रॉप्ट एरिया जी सी ए क्या है मान लो अगर आपने यहाँ पे एक बार पैडी लगाया धान लगाया ए पर है ना बी पर भी आपने धान लगाया है ना सी पर भी आपने क्या लगाया धान या पैडी जो आप बोलते हो राइस राइस का कल्टीवेशन आपने किया डी आपने खाली छोड़ा हुआ है फिर आपने क्या किया चार पांच महीने में धान की फसल आपकी कंप्लीट हो गई पैडी कंप्लीट हो गया राइस होने के बाद आपने क्या किया वापस से वापस से आपने एक बार और राइस लगा दिया या वेजिटेबल लगा दिया ए पे ही ठीक है वापस से आपने बी पे कुछ और लगा दिया सी पे कुछ और लगा दिया ठीक है फिर आपने एक और काम किया वापस से सी पे बाद में फिर से एक वेजिटेबल काटने के बाद वेजिटेबल लगा दिया तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में ये एरिया पूरा लिया जाएगा ए को दो बार काउंट करेंगे बी को दो बार काउंट करेंगे साल में आपने दो बार इस जमीन का यूज किया है और सी को मे बी हम तीन बार काउंट करेंगे क्योंकि तीन बार हमने इस लैंड का यूज किया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे ग्रॉस क्रॉप जी सी ए आई होप ये दोनों चीजें आपके समझ में आएंगी और यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा डायरेक्टली यही यूपीएससी का का प्रीलिम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस साल अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा है एपीएससी प्रीलिम्स का तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं इसलिए आपको भी अपना कमर अकॉर्डिंगली कसना होगा ये आपके लिए आज के क्वेश्चन है कि आज ये जो है जो क्वेश्चन है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इसमें से कौन सा कंट्री उसका मेंबर नहीं है कमेंट में उसका आंसर बताओ बहुत कम लोग आंसर बताते हो सब लोग बताओ भले ही आंसर ऑब्बियस है बट बताओ तो सही कम से कम से आप लिखोगे आपको लंबे टाइम तक याद रहता है दूसरा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के कंपोनेंट्स क्या क्या है बैंक अकाउंट का होना क्रेडिट फैसिलिटीज का होना इंश्योरेंस का एक्सेस होना ए बी बी सी बी ए ऑल ए बी सी चारों में से जो आपको उचित लगे वो आंसर बताओ ठीक है तो आज का करंट अफेयर्स एनालिसिस हम लोग खत्म करते हैं thank you jai